आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत होगी। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के लिए लगभग करो या मरो वाली स्थिति होगी। दरअसल दिल्ली की टीम इस सीजन में अब तक 6 मैच गंवा चुकी है, एक और हार और उसके लिए प्लेऑफ में पहुंचने के रास्ते करीब करीब बंद हो जाएंगे। ऐसे में आज के मैच में दिल्ली की टीम अपना पूरा दमखम लगाने वाली है। गुजरात ने अब तक 8 मैचों में 6 मैचों में जीत हासिल की है। गुजरात टाइटंस की कोशिश आज का मैच जीत कर प्लेऑफ की दहलीज पर पहुंचने की होगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच की बात करें तो इस सीजन में बल्लेबाजों की जमकर मदद कर रही है, यहाँ खूब रन बन रहे हैं। आज के मुकाबले में भी परिस्थितियाँ बदलती हुई नजर नहीं आ रही हैं, यानी आज भी जमकर चौके छक्के बरसने वाले हैं। हालांकि दोनों टीमों की गेंदबाजी शानदार है, ऐसे में संभव है कि पिछले मुकाबलों की तुलना में यहाँ इस बार रनों पर थोड़ा अंकुश जरूर लगेगा। दिल्ली के खिलाफ होम ग्राउंड पर जीत दर्ज कर टीम पहले स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। दिल्ली के खिलाफ उनके 4 विदेशी खिलाड़ी राशिद खान, नूर अहमद, जोशुआ लिटिल और डेविड मिलर हो सकते हैं। साई सुदर्शन ने सीजन के पिछले मैच में दिल्ली के खिलाफ 50 लगाई थी, लेकिन उन्हें सिलेक्ट करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या को विजय शंकर या अभिनव मनोहर में से किसी एक को बैठाना होगा। दिल्ली ने टूर्नामेंट की शुरुआत लगातार 5 मैच हार कर की थी, लेकिन फिर 2 मुकाबले जीत लिए थे। हैदराबाद के खिलाफ पिछले मुकाबले में मिचेल मार्श ने 4 विकेट लेने के साथ 50 भी बनाई थी, लेकिन फिर भी टीम 9 रनों से मुकाबला हार गई। अब प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दिल्ली को बचे हुए 6 मैचों में जीत दर्ज करनी होगी। एक भी मैच हारने पर टीम को बाकी टीमों पर निर्भर रहना होगा। गुजरात के खिलाफ टीम के 4 विदेशी खिलाड़ी खुद कप्तान डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, एनरिक नॉर्के और फिल सॉल्ट हो सकते हैं। एनरिक नॉर्के और फिल सॉल्ट ने पिछले मैच में बेहतरीन खेल दिखाया था, वहीं मिचेल मार्श ने भी शानदार गेंदबाजी और बल्ले से प्रदर्शन किया था। इस बार टीम प्रियम गर्ग को एक बार फिर से मिडिल ऑर्डर में मौका दे सकती है और अक्षर पटेल से ऊपर बैटिंग करा सकती है। हालांकि पिछले मुकाबले में अक्षर पटेल को निचले पायदान पर बल्लेबाजी क्रम में भेजना दिल्ली के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ था। वहीं गुजरात टाइटंस पिछले साल ही आईपीएल में शामिल हुई है, तब से दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया जिसे टाइटंस ने जीता है। इस सीजन भी दोनों के बीच एक मुकाबला खेला जा चुका है जिसमें दिल्ली को हार मिली है।